संशोधन विधेयक 23 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मूल अधिनियम 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 31 का संशोधन है। 31-2 पूर्व की धारा 31-2 कहती है कि रजिस्ट्रार या अधिकृत व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेख और संपत्ति की तलाशी के लिए अभिग्रहण और कब्जे में लेने ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता में उस सोसाइटी कार्य कर रही हो। धारा 31-3 कहती है उपधारा 2 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट वारंट द्वारा किसी ऐसे पुलिस अधिकारी जो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का न हो ऐसे किसी संभव स्थान की तलाशी लेने या रिकॉर्ड प्राप्ति हेतु अधिकृत कर सकेगा तथा ऐसा रिकॉर्ड अथवा संपत्ति मुख्य कार्यपालक सचिव अध्यक्ष या रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार के प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप सकेगा। ये पूर्व का प्रावधान था। नया ये आया इस अधिनियम में धारा 31-2 में रजिस्ट्रार को स्वयं या उसके अधिकृत व्यक्ति को तलाशी लेने और अभिलेखों और संपत्ति का अध्ययन करने की शक्तियाँ दी गई हैं। 31-3 में दंड प्रक्रिया संहिता 73 के तलाशी या अधिग्रहण में संबंधित उपबंध इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। इसमें माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है, तलाशी के लिए रजिस्ट्रार के प्राधिकृत अधिकारी अपना कार्मिक का पदनाम उल्लेखित नहीं है। जैसा पूर्व में धारा 31-2 में तलाशी हेतु पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर से नीचे पद का अधिकारी नहीं हो ये उल्लेखित था, कार्मिक तलाशी लेने हेतु अधिकृत नहीं था। इससे गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति को जिलों में उपरजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा तलाशी लेने और रिकॉर्ड तथा संबंधित संपत्तियों को जब्ती का अधिकार दिए जाने की स्थिति में गाँव में विवाद बढ़ जाएंगे। इस प्रकार इस प्रस्तावित संशोधन में जिस व्यक्ति को अधिकृत किया जाना है उसका कोई स्पष्ट उल्लेख विधेयक में नहीं है, जिससे जिले के उपरजिस्ट्रार को असीमित अधिकार प्राप्त होगा कि वह स्वयं अथवा अपने जिले में कार्य किसी भी कर्मचारी को रिकॉर्ड जब्त करने हेतु भेज सकता है। ये संशोधन इसमें आप कर रहे हैं, स्पष्ट करें इस बात को। माननीय सभापति जी, मैं राजस्थान केंद्रीय सहकारी बैंक गाँव में ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण वितरित किए जाते हैं, उनके पीछे चुनाव की स्थितियाँ किस तरह की रही मैं उस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं बिल पे जो संशोधन मैंने दिया वो और बाकी बातें जो जैसा अभी राजसमंद से आने वाले माननीय विधायक ने कहा, ग्राम सेवकार सिर्फ ऋण वितरित के अलावा जो उनका काम है खाद बीज वितरित करना उसमें भी कोई काम नहीं करती, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और सरकारी खरीद का सिस्टम है, सरकारी खरीद के सिस्टम में जिस तरह से एक तो खरीद देरी से शुरू की जाती है किसान का उसमें नुकसान होता है, फिर जो हडल आते हैं कहीं बारदाने की कमी की वजह से कभी और बातों की वजह से उनमें भी राजफेड या जो भी हमारी एजेंसियां हैं उस त्वरित गति से काम करे तो उसमें भी किसान को सहायता मिले और सही समय पर सरकारी खरीद हो सके, 90 दिन का जो समय मिलता है उसमें हो सके। इन सारी बातों पर कई सुझाव सदस्य में आपकी सहमति से इनको टेबल करना चाहूँगा, आप इजाज़त दें तो आप सदन का समय बचेगा। थैंक यू। श्री जोगेश्वर गर्ग।